आप दिन रात मंदिर में बैठकर कितना भी घंटी बजाइए, कितने भी शंकर जी को जल चढ़ाइएगा, आपका बेटा डीएम नहीं बनेगा, आपका बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, आपका बेटा एसपी नहीं बनेगा। वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तब वो डीएम या एसपी कलेक्टर या एसडीओ बीडीओ या थाना अध्यक्ष बनेगा, या एक चपरासी क्यों ना हो, जब वो पढ़ेगा लिखेगा तब वो चपरासी भी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हम उस कुल खानदान से आते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाले हैं। वो हम केवट महाराज के संतान हैं, एकलव्य के संतान हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के संतान हैं, फूलन देवी के संतान हैं, और हम लोग आज नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर वीआईपी पार्टी के सर्वेसर्व मुकेश सहनी जो हैं वो औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने के बाद अपने वोटरों के बीच बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिव भगवान पर जल चढ़ाने से आपका बेटा जो है वो डीएम और एसपी नहीं बनेगा, और बेटा जो है आपका कैसे डीएमएसपी बनेगा ये भी बताया है मुकेश सहनी ने। और साथ ही कहा है कि उनके जो विरोधी हैं, खासकर बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनको लगा कि आज ये सीएम बना सकता है किसी को, तो कल सीएम बन भी सकता है, इसलिए उनके साथ ऐसा विश्वासघात जो है वो किया गया। इसके अलावा भी मुकेश सहनी बहुत कुछ कह रहे हैं अपने वोटरों के बीच, तो अब पूरा बयान जो है वो मुकेश सहनी का। आज महाशिवरात्रि है, हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और हम लोग हर धर्म में आस्था लगने रखने वाले लोग हैं। हम उस कुल खानदान से आते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाले हैं। वो हम केवट महाराज के संतान हैं, एकलव्य के संतान हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के संतान है, फूलन देवी के संतान है, और हम लोग आज अपने आप को इस बिहार प्रदेश में, इस राज्य में आज संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, आज जितना ही उत्साह से, उमंग से आज हम भोलेनाथ जी का आज आराधना कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, उनको आज भगवान को मानते हैं, उसी तरीके से आपको इस धरती पे, इस राज्य में, इस देश में सर उठा के चलना है तो दो काम करना है। जितना श्रद्धा से भगवान को आप मानते हैं, उतने श्रद्धा से, उतने ही अच्छे सोच से आप भगवान को क्यों मानते हैं? आप उनके पास अपने दुख दर्द लेके जाते हैं, आपको विश्वास है कि आपका दुख दर्द जो है वो दूर होगा। उतना ही अच्छे सोच रखकर आपके दुख दर्द अगर सही अगर करना है तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। आप दिन रात मंदिर में बैठकर कितना भी घंटी बजाइए, कितने भी शंकर जी को जल चढ़ाइएगा, आपका बेटा डीएम नहीं बनेगा, आपका बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, आपका बेटा एसपी नहीं बनेगा। वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तब वो डीएम या एसपी कलेक्टर या एसडीओ बीडीओ या थाना अध्यक्ष बनेगा, या एक चपरासी क्यों ना हो, जब वो पढ़ेगा लिखेगा तब वो चपरासी भी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब पढ़ लिख लेगा, काबिल होगा, तो दो रुपया कमाएगा, और जब दो रुपया कमाएगा तो सर खड़ा करके, सर ऊंचा करके कहीं पे भी चलेगा। उनको दुनिया के, संसार का कोई लोग उनको गुमराह नहीं कर सकता है और ना ही उनको झुका सकता है। और दूसरा पावर, 1947 के बाद देश आजाद हुआ हमारा, बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बनाया, इस देश के हर नागरिक के लिए संविधान बना है, हर किसी को लाभ मिला है। संविधान के दायरे में रहकर उनको लाभ मिलता है सरकार के साथ रहकर, और ये सरकार आप बनाते हैं। आपके पास वो शक्ति है, वो ताकत है, वो वोट बैंक की ताकत है कि आपके वोट बैंक से देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, आपके वोट बैंक से राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं,
आपके भोंगले के बटन में हाथ में इतना ताकत है कि आप राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे तो आज एक तो आप पढ़ा लिखा के बच्चे को आगे बढ़ाइए, दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए जैसे मैं कर रहा हूं। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, लेकिन मैंने संघर्ष करना चालू किया। यहां से बिहार से निकलकर 2000 किलोमीटर मुंबई जैसे शहर में गया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, यानी कि रोज का 30 रुपया पे वहां मेहनत मजदूरी किया, ईमानदारी के रास्ते पे चला। बिहार में मैं आया, आप लोगों के साथ किया, आप लोगों के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ने का काम किया और आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा, ये संघर्ष किया। तो इसलिए आपका अगर अधिकार है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। आजादी के 75 साल बीत गया, आप वहीं का वहीं हैं। आज आप कितने गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ये समस्या दूर कैसे होगा। आपके उंगली में जो दम है बटन दबा के होगा, पावर आएगा या पैसा या पावर, दो ही चीज चाहिए इस राज्य में सर उठा के चलने के लिए, पैसा और पावर। पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा, लेकिन पावर के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, पावर के लिए संघर्ष की आवश्यकता है, सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज हमको भी बोला जा रहा है, मैं अगर कल चाहूंगा तो कल राज्य में मंत्री बन सकता हूं, केंद्र में मंत्री बन सकता हूं, ये ताकत है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो रहा है कि पूरे बिहार राज्य के लोगों ने, खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति ने मान लिया कि सनप मल्ला मेरा नेता है, आप हमारे साथ हैं। आज इसलिए आज हमें लोग मानते हैं। आज वो नहीं देखना चाहेगा कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो देखना नहीं चाहेगा कि अच्छा घर आपका है, वो चाहेगा कि आपका पाप दादाजी, आपका पिताजी, आप लोग गुलाम बन के थे और आज भी गुलाम बन के रहिए। वो नहीं चाहेगा कि आप भी बिहार राज्य में मंत्री बनिए, आप भी सरकार बनिए, आप भी मुख्यमंत्री बनिए, वो नहीं चाहेगा, वो आपको दबा के रखेगा। ऐसा भी 20% समाज में लोग हैं, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक क्लब का अंगूठा लिया गया, इसलिए क्योंकि एक क्लब इस संसार में पृथ्वी पे सबसे महान योद्धा थे, धनुर्धर थे, लेकिन उनको अंगूठा लिया गया ताकि वो ना आगे बढ़ पाए। आज मेरे साथ भी हुआ, जो हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक मुकेश सहनी, एक मल्ला का बेटा, संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर गया, वहां से बिहार में आया, अपने जगह बना लिया और आज इनका समाज इनके पीछे चल रहा है। आज वो 11 सीट मांग रहे हैं हिस्सेदारी, कल 51 मांगेंगे, अकल 101 मांगेंगे। आज मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कल बन सकते हैं। तो उन्होंने मुकेश सहनी को पीछे नहीं किया, वो आपको पीछे किया, इसलिए किया क्योंकि आप आगे ना बढ़ पाए, आप अपना सही हक नहीं मांग सकते हैं। इस राज्य में आपका 15% की आबादी है, आप बिहार में राज्य में सरकार जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं, छोड़ देंगे। तो इसलिए आपके साथ ऐसा होगा, जब आप कमजोर होंगे तो आपके साथ हमेशा ऐसा रहेगा। तो इसके लिए शक्तिशाली व्यक्ति बनना है और शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए दो काम करना है, एक तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है और दूसरा आपके अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है जैसे मैं कर रहा हूं और आप लोगों ने भी किया। आज जिस मुकाम पे मैंने पहुंचा ये मेरे दम पे नहीं पहुंचा, और या कोई मेरा चेहरा शाहरुख खान के जैसा या सलमान खान के जैसा नहीं दिख रहा है कि लोगों ने मुझे नेता मान लिया। नेता इसलिए माना क्योंकि बिहार के 15% आबादी, निषाद समाज के सभी बिंद बेलदार नुनिया मला, निषाद के सभी उपजाति ने हमें नेता माना। तो इसलिए आज संघर्ष करके इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। जो लोग हमें गले लगाना चाहते हैं हम भी उनको गले लगाएंगे, उनको अगर खून की पानी की आवश्यकता गिरेगा हम पानी देने के लिए तैयार रहने वाले, हम वो एक क्लब के वंशज हैं। हम तो गुरु दीक्षा में तो अपने मालूम है ना, हमने अंगूठा दे दिया जबकि हम उस गुरु से ज्ञान नहीं लिए थे, हमने तो सिर्फ उनके मूर्ति पे एक मिट्टी के मूर्ति बना के हमने उनको पूजा किया और हमें शक्ति प्राप्त हुआ। और जब हमें गुरु जी ने कहा कि आपने हमें से आपने सीखा तो हमें आप गुरु दक्षिणा दो, तो हमने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया। तो हम उस समाज में से आते हैं, हम श्री रामचंद्र जी को नदी पार किए थे, रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी ने
हमारे पूर्वज को कहा कि मांगिए क्या चाहिए। हमारे उस समय का हमारे केवट महाराज ने कहा कि प्रभु हमने आपको यहाँ पे पार लगाया, भविष्य में आप हमें पार लगाइएगा, लेकिन आज हमें पार नहीं लगाया जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपको खुद पार लगना पड़ेगा। भाई प्रभु श्री राम तो हमारे हैं, लेकिन आज प्रभु श्री राम पे हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, आज हमारा नहीं है, और जो लोगों का नहीं है वो मान रहे और हमें दूर कर दिए। आज जैसे शिव पूजा, अगर आज 5,000-6,000 साल पहले की अगर बात कीजिएगा, शिव पूजा हम लोगों का देन है, हम लोग करते थे, इसकी भी बड़ी कहानी है, वो भी समय आएगा तो बात होगा, लेकिन बीच में से हमसे लोग छीन लिए। आज हमारा अधिकार भी कहीं कहीं रोक दिया जाता है, कहीं पे हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो गए, कहीं पे हमें मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, तो ऐसे भी जगह है, तो इस खाड़ी को हमें दूर करना है, और जब दूर होगा समाज में समानता आएंगे तब आगे होगा, और इस संसार में जब एक सरीका होगा तब संसार हमारा आगे बढ़ेगा। अगर इस संसार में कुछ ही लोग अमीर होंगे, एक ही व्यक्ति के पास 20,00,000 करोड़ रुपया हो और किसी के पास 20,000 भी ना हो, तो फिर कैसे चलेगा इस संसार। तो इसलिए यहाँ पे सबके पास होना चाहिए, सबके दो वक्त के रोटी मिलना चाहिए, सबको भूख लगता है तो खाना चाहिए, चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो। तो इसके लिए सबको भूख लगे तो उसको खाना का व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में समाज में लोग ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका खाना आपका थाली आपसे छीन लेते हैं, तो हमें उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा कि आपका खाना आपको सुरक्षित आपको मिले, जो आपके साथ है उनको अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, और जो आपके साथ नहीं है, जो आपके खाना नहीं दे रहा है, जो आपका थाली छीन रहा है, उनसे तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहिए, और जब आपके साथ हो तो उसके साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।